5000। हेलो हेलो, देखो अभी अभी ना थोड़ी देर शांत रहना, सभी लोग तभी इस कार्यक्रम का मजा आएगा। हेलो, हाँ एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। हेलो हेलो हेलो, सभी लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत मजेदार हैं आज के सारे लोग। एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं। देखो भैया एकदम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तभी सुनाई देगा। शांत हो जाओ, सभी लोग शांत रहेंगे तब कार्यक्रम का आनंद आएगा। ये कहाँ जा रहे हैं? कहीं जाने नहीं, वहाँ से देख रहे हैं। मुकेश जी? हाँ मुकेश जी, मुकेश जी, मुकेश जी, हाँ मुकेश जी यही है, यही है। मुकेश जी अभी आगे आ गए, उनसे पहले उनका पेट आगे आ गया। चुप रहे, पेट आगे नहीं आया है। अच्छा अच्छा, लेडीज लोग आई है कि नहीं? लेडीज लोग आई है, कार्यक्रम देखने आई है। तो इधर भी क्या हो गया? ये दुर्गा बस है। हाँ दुर्गा बस है। और ये कौन है? इसको देखो तो मदहोश हो रहे। मदहोश हो रहे? अरे सर कैसे हैं? हाँ सब लोग बढ़िया बढ़िया। हाँ बढ़िया बढ़िया। इधर इधर इधर। हेलो। हाँ हाँ, तो दोस्तों दोस्तों, हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, 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 नहीं नहीं, मैं आगे बोल रहा हूँ, तू सुनता जा। देखिए क्या होता है कि पत्नियां क्या होती है ना, पत्नियां चाहती हैं कि पति उनके ऊपर मरे। अच्छा अच्छा। हाँ, और जब मरता है तो कहती कहीं और जाके मरो। अरे अरे अरे। लेकिन एक बात है साहब, ये जो पत्नी होती है ना, ये जो पत्नी होती है आपकी गरीबी में आपके साथ रह सकती है, आपकी परेशानियों में आपके साथ रहती है, आपकी जरूरतों में आपके साथ रह सकती है, लेकिन आपसे लड़े बिना नहीं रह सकती। लड़े बिना नहीं रह सकती है ना, ना। अच्छा ओके, देख आज मैं चाहता हूँ कि मैंने एक कहानी सोची है, मैं चाहता हूँ कि सभी को सुनाऊं। कहानी? हाँ कहानी। ए बिल्कुल भैया, आवाज आवाज कम रखो, है ना, आवाज कम रखो। दुर्गा को देखो कैसे शांत बैठी। अच्छा वैसे ही शांत बैठना है। हाँ तो कहानी ऐसी है कि मैं क्या कर रहा है दुर्गा को देख। सुन मेरी बात, सुन उन दोनों को नहीं देखना है। उन दोनों को नहीं देखते? नहीं नहीं, सुन मैं तेरे को एक कहानी सुना रहा हूँ, कहानी में ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा ये मेरा वीडियो बहुत वायरल हुआ था, न्यूज में भी आया था, आप लोगों ने देखा। अभी हाल में एक मुखिया जी वाला वीडियो आपके पास आया होगा, बहुत ज्यादा वायरल हुआ है वो भी आप लोगों के आशीर्वाद से। लॉकडाउन के समय में एक दुल्हा वाला वीडियो आप लोगों ने बहुत शेयर किया, बहुत वायरल किया। खैर चलिए अभी बात यहाँ पर आते हैं। हाँ तो मैं एक कहानी सुना रहा हूँ। क्या कर रहा? तेरे को कितनी बार कह रहा हूँ कि उनकी तरफ नहीं देखना है। अरे तुम क्या करो, क्यों बैठाया है? सुंदर चीज बैठा देता है, कहता देखना नहीं है। ओके चल नहीं देखूंगा। हाँ ओके, मत देखना, मत देखना। चल अभी अभी शुरू करते हैं, अभी शुरू करते हैं। ओके ओके ओके। हाँ तो कहानी ऐसी है कि एक बार क्या होता है, तारे टिमटिमा रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, चोर आया सोना सोना लेने के लिए, चोर आया दरवाजा तोड़ा और सोना लेकर भाग गया। क्या कर रहा था? देह हाथ सीधा कर रहा था, देह हाथ सीधा कर रहा था, उनको नहीं देख रहा था तू। अच्छा ठीक है, बता तो मैंने क्या कहानी कही तूने? हाँ एक बार हाँ चोर आया, हाँ चोर आया। नहीं 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 नहीं, शुरू से बता, शुरू से जो मैंने कहा। एक बार, हाँ एक बार तारे भौंक रहे थे, टॉफी गिर गया, टॉफी गिर गया। नहीं नहीं कोई नहीं लेगा, ले लो ले लो, आना आना। ए तू क्या ले रहा है? पहना पहना, अच्छे से हाँ पहना रहा, पहना रहा। ये दूसरे को ही टॉफी पहना देता है, सुमन सम्राट। हाँ सुमन सम्राट। हाँ कहानी कहानी क्या थी, कहानी क्या थी? हाँ हाँ एक और क्या हुआ? क्या हुआ? तारे भौंक रहे थे, तारे भौंक रहे थे, कुत्ते टिमटिमा रहे थे, चोर आया, चोर आया, फिर क्या हुआ? सोना तोड़ा और दरवाजा लेकर भाग गया। क्या हुआ?
नहीं नहीं तू जो है ना लड़कियों को देख रहा था इसलिए तेरा दिमाग जो नहीं इधर उधर घूम गया। ना 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 पूछ लो, नहीं देख रहा था ना। दुर्गा हंस रही उसके बगल वाले सब हंस रही है। चल इधर। दोस्तों यहाँ पर जितने युवा साथी हैं मैं आप लोगों से एक बात बता दूं कि इसका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है। इसको एबीसीडी भी आती है। एबीसीडी आती है ना, सुना दे कौन सी छोटी या बड़ी। अबे सुनाने में तो सब एक ही जैसा होता है ना। ये साउंड दादा को एबीसीडी आती है क्या? साउंड दादा को एबीसीडी आती है। ये कैमरामैन को एबीसीडी आती है क्या? अरे उनको भी एबीसीडी आती है। ये राजा राम जी को एबीसीडी आती है क्या? अरे उनको भी एबीसीडी आती है। विनय जी को एबीसीडी आती है क्या? विनय जी को भी एबीसीडी आती है। दुर्गा को एबीसीडी आती है क्या? उसको भी आती है। तो साले मेरे से क्यों पूछ रहा है? ओके अच्छा ठीक है, फिर भी एक बार सुना दे। हाँ हाँ सी हाँ हाँ डी और बताओ और सब बढ़िया तुम बताओ। अरे कहने का मतलब है कि अच्छा मैंने सुना है कि तेरे को शायरी बहुत अच्छी आती है। हाँ शायरी आती है। हाँ सुना दे। नहीं नहीं क्यों हेलो शायरी क्यों नहीं सुनाएगा? पहले तू लेडीज फर्स्ट। मैं तेरे को लेडीज नजर आता हूँ क्या? थोड़ा तो लगता है। चुप रह। अच्छा ठीक है, बड़े दिल से निकली हुई शायरी है, बड़ा अच्छा शायरी है कि लैला ने कहा मजनू से। अच्छा क्या कहा? वाह करे। हाँ बहुत अच्छे लोग हैं। लैला ने कहा मजनू से। क्या कहा? सुन मैं बता रहा हूं कि लैला ने कहा मजनू से सुन चलिए। लॉकडाउन खुल गया स्कूल चलिए। इसका फोन आ गया। हाँ फोन आ गया, वही बात है। इतनी रात को दो ही लोगों का फोन आता है, एक उधार का एक जुगाड़ का। उसका वही आ गया है। अच्छा लेकिन एक बात है साहब, मैं आप लोगों से अच्छा इसकी जनरल नॉलेज की बात आपको बताऊं। मेरे को एक बात बता कि अमिताभ बच्चन की वाइफ का क्या नाम है? अमिताभ बच्चन की वाइफ का क्या नाम? जया बच्चन। वेरी गुड, जया बच्चन। अच्छा अब मुझे बता कि शाहरुख खान की पत्नी का क्या नाम है? गौरी। अरे वाह, ऐश्वर्या राय यानी कि अभिषेक बच्चन की पत्नी का क्या नाम है? ऐश्वर्या राय। अजय देवगन की पत्नी का क्या नाम है? एक मिनट, तेरे को उसकी पत्नी से क्या काम है? साले शाहरुख खान की पत्नी का क्या नाम है? अभिषेक की पत्नी का क्या नाम है? थोड़ी देर में कहेगा दयानंद की पत्नी का क्या नाम है? विद्यानंद की पत्नी का क्या नाम है? राजा राम जी की पत्नी का क्या नाम है? अरे मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ। सुधीर मेहता जी की पत्नी का क्या नाम है? ओके इट्स ओके, गुस्साते नहीं। तो पत्नी का नाम नहीं पूछो ना, उसका नाम मैं पूछूंगा। है कि नहीं राजा राम जी? हाँ है बहुत बड़े। अच्छा दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, सभी दोस्तों से, खास करके पुरुषों से, कि दोस्तों अगर आप रहना चाहते हैं चुस्त और तंदुरुस्त तो उनको कुछ बोलना खाने के लिए, कुछ मजबूती के लिए। अच्छा अच्छा ओके ओके। हाँ रेडी दोस्तों। हाँ नहीं नहीं आगे दोस्तों, अगर आप रहना चाहते हैं चुस्त और तंदुरुस्त तो खाइए गुटखा। अबे गुटखा खाने से कौन चुस्त तंदुरुस्त रहता है? तो क्या कहना है? सेव खाइए। सेव खाइए सेव। और खास करके महिलाएं मुस्कान दुर्गा। अच्छा ओके हाँ, खास करके महिलाएं अगर आप रहना चाहती हैं फिट तो पीजिए दारू। क्या क्या? अब दारू नहीं पीते, जूस। हाँ जूस। देखिए साहब क्या होता है ना कि जो लोग नशा करते हैं ना, जो लोग नशा करते हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते। जो लोग नशा करते हैं वो बूढ़े नहीं होते, तो फिर जवानी नहीं। बात तो सही है, जवानी में ही टैंक कर जाते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं कि मैं मुंबई रहता हूं, ये भी मुंबई रहता है, लेकिन हम जब भी कार्यक्रम होता है तो हम अलग अलग जगह जाते हैं। ये सरकारी नौकरी करता है, लेकिन एक बात बता मेरे को, तू छुट्टी कैसे लेता है? अपने बॉस को क्या बोलता है? बॉस को हाँ क्या हो गया? सर मेरी सांस बढ़ गई।
तो फिर क्या होता है? 10 दिन की छुट्टी। अच्छा, 10 दिन की छुट्टी मिल जाती है। जब तेरे को फिर से छुट्टी लेनी हो तो अब क्या हो गया? फिर क्या होता है? 10 दिन की छुट्टी। फिर छुट्टी लेनी हो तो अबे, फिर छुट्टी लेनी हो तो 1 मिनट पचा नहीं मुझे। एक बार तेरी सास मरी, फिर तेरा ससुर मर गया, फिर तेरी सास मर गई, फिर तेरा ससुर मर गया, तो बॉस ने कुछ नहीं कहा? बॉस ने ही यही कहा। फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा, हाँ सर, हाँ, सास मरती है तो ससुर शादी कर लेता है और ससुर मरता है तो सास शादी कर लेती है। अच्छा, ओके ओके। चल, अभी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनका भी कार्यक्रम होना है, है कि नहीं? राजा राम जी वो तेरे को बड़े प्यारे लगते हैं क्या? बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, वो है ही इंसान, बहुत अच्छे हैं। विनय जी नजर नहीं आ रहे। विनय जी कोई काम कर रहे होंगे। चल बोल दे बाय लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज, लेडीज, जेंटलमैन, कैसे हैं आप? कैसे हो लेडीज? एक बार पूछ ले, जेंटलमैन कैसे हैं आप? कैसे हो लेडीज? जेंटलमैन कौन बोलेगा? तू, तू क्यों नहीं बोलेगा? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन जेंटलमैन। ओके, तो तू क्या बोलेगा? लेडीज। यदि अच्छा लगा तो जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली हो जाए भैया।